अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप फिर से हो गए न्यू अपडेट के साथ। मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 1 अगस्त से जो है फ्लाइटें चालू होने वाली हैं, लेकिन उसको लेकर अभी बड़ी अपडेट आ रही है और जो लोग हैं वो अपनी बुकिंग चालू कर चुके हैं, लेकिन उसको देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने बुकिंग वगैरह की है और उसमें जो है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। तो अगर आप किसी भी तरह से कहीं पे भी बुकिंग करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो आपके नज़दीकी ट्रेवल एजेंट हैं आप उन्हीं से बुकिंग बुक कराएं, ना कि ऑनलाइन करें, क्योंकि अभी जो 80% बुकिंग हो रही है ऑनलाइन, उन लोगों का जो है पैसा डूब रहा है और वो लोग पैसा अपना बचा नहीं पा रहे हैं और ये चीज़ बार बार जो है न्यूज़ में दी जा रही है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी गलत काम ना हो और आपका पैसा ना फंसे, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि हमें जो बुक करना है वो अपने नज़दीकी ऑफिस वगैरह जो है उन्हीं से बुक कराएंगे, फेस टू फेस बुक कराएंगे, जो क्या आपका किसी भी तरह का कोई भी पैसा ना डूबे। क्योंकि अभी जो देखने में बात आ रही है, पिछले साल भी जो इस तरह के पिछले साल की बात करते हैं तो लगभग 5 मिलियंस जो इस तरह से फ्रॉड वाइज बुकिंग की गई थी वो जो है इतने जो है पैसा डूबा था और उसकी रिकवरी भी नहीं की गई है। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 4 कंपनियों को जो है सीज कर दिया गया है, बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिसमें के 600 वर्कर को बुलाया कुवैत के अंदर, बुलाने के बाद में ना ही उनको किसी तरह का रोज़गार दिया और ना ही किसी तरह का कोई भी उनके लिए सहारा किया और काफ़ी सारा जो लोग थे वो पैसा देकर आए थे जो ऑफिस वगैरह हैं उनको, और वहाँ पे आने के बाद में वो भी इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर हो गए। लेकिन जो अप्रैल के महीने में छूट चली थी उसमें भी नहीं गए वो लोग। उन्होंने सोचा कि इतना पैसा लगा कर आए हैं, थोड़ा काम कर लें, थोड़ा काम करने के बाद में जाएंगे तो पैसा भी रिकवर हो जाएगा और उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत कमा भी लेंगे। तो लेकिन अभी भी वो इल्लीगल तरीके से जो है कुवैत के अंदर हो चुके हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है और भी काफ़ी सारे जो इल्लीगल लोग हैं उनको भी परेशानी आ रही है। तो 4 कंपनियों को ऐसे सीज कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब जो भी अगली अपडेट आती है उनके नाम ओपन किए जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। और आप भी किसी ऐसी कंपनी से गए हैं कुवैत के अंदर या कुवैत में हैं अभी भी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस कंपनी में थे और जो आप इल्लीगल किस वजह से हुए हैं, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि आप जो है किस तरीके से इल्लीगल कुवैत के अंदर हुए हैं। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है PCR सर्टिफिकेट को लेकर। जैसे कि 1 अगस्त से चालू होंगी फ्लाइटें तो आपके पास में PCR सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी देश से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी देश से आप जाना चाहते हैं तो जहाँ पर आपने मेडिकल वगैरह अपना कराया है तो आप उसी मेडिकल सेंटर में जो है अपना PCR सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन इससे अधिक जानकारी आप अपने एजेंट से लें, जो इसने आपका काम कराया था वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देगा और ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और ये इसलिए ज़रूरी है, 4 दिन पहले का आपके पास में PCR सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 4 दिन से 5 दिन हो गए तो वो आपका जो है वैलिड नहीं रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो 4 दिन के अंदर ही अंदर अपना PCR सर्टिफिकेट लेने के बाद में सफ़र कर सकते हैं। और ये जो है एक तरह से मेडिकल रिपोर्ट ही है, जैसे कि आप विदेश जाते हैं मेडिकल आपका होता है, उसके बाद में सारी चीज़ जो चाय का वगैरह होता है आपका और उसके बाद में आप जा पाते हैं। तो इसी तरह से ये कोरोना रिपोर्ट है, आपकी सारी चीज़ें इसमें भी चेकअप की जाएंगी और उसके बाद में निगेटिव पाई जाएगी हर चीज़, तो आप जो है कुवैत का इसमें सफ़र कर सकेंगे या किसी भी कंट्री का आप सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि अभी जो है हर कंट्री के लिए PCR सर्टिफिकेट ज़रूरी हो गया। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी, सोचिए कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर।